हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फेस स्मूथ ऑटोडेस्क की मदद से और ऑयली पेंट टूलवेज की मदद से और बैकग्राउंड को कुछ इस प्रकार से करेंगे अपने स्नैपशीट की मदद से, जो कि सारी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारे टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में। ये ओरिजिनल फ़ोटो रहा एंड ये रहा हम लोग का एडिट फ़ोटो। कितना ज़्यादा हम लोगों में दोनों में डिफरेंस फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से पहले हम लोग फ़ोटो किए हैं, देन उसके बाद इस तरीके से स्नैपशीट में, देन उसके बाद जो एक हम लोग फाइनल रिजल्ट इस प्रकार से आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फोटो को पहले तो सेंड करेंगे हम लोग अपने स्नैपशीट एप्लीकेशन में। यहाँ पे ओपन होने के बाद हम लोग का फोटो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो टूल्स पे क्लिक करेंगे। टूल्स पे क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग को एक हीलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि यहाँ पे है। हीलिंग पे क्लिक करते हैं। हीलिंग पे क्लिक करके कुछ इस टाइप से हम लोग पेंट कर लेंगे तो हम लोग का जो कि बॉडी पूरा गायब हो जाएगी। और यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड को जो है कि पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग एक कलर का सिर्फ और सिर्फ कर लेंगे यहाँ से हीलिंग की मदद से। जहाँ जहाँ हम लोग को पेंट करेंगे वहाँ वहाँ से रिमूव हो जाएगा हम लोग का बैकग्राउंड और उसके किनारे साइड का वहाँ पे जाकर छप जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से अब डन क्लिक करते हैं राइट। देन उसके बाद हम लोग का फोटो जो है कि हट जाएगा, बैकग्राउंड से मॉडल हट जाएगा और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये रहा हम लोग का फ्रेंड्स बैकग्राउंड। और इसको क्या करते हैं हम लोग, कर्व का ऑप्शन पे आकर यहाँ से इसको नीचे की साइड करेंगे ब्लू वाले को, और यहाँ से बीच लाइन से फ्रेंड उठाना है इसको, और रेड वाले को थोड़ा सा ऊपर की साइड करना है, और यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है, और फ्रेंड यहाँ पे टूल्स पे दोबारा आना है और यहाँ पे लेंथ ब्लर पे आना है। लेंथ ब्लर पे फ्रेंड्स हम लोग को इसको पंच करके दोनों हाथों से, पहले तो दोनों फिंगर से इसको छोटा कर देना है और साइड में लगाकर इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है और राइट क्लिक करना है फ्रेंड। तो ऐसे राइट क्लिक कर देंगे तो हम लोग का बैकग्राउंड जो बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब हम लोग डबल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे। डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे तो ओपन इमेज हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग फोटो को ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पे ओपासिटी का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। देन ये आधा है तो इसको फुल हम लोग करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की साइड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनवर्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद व्यू एडिट्स पे क्लिक करेंगे। व्यू एडिट्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग जो जो टूल यूज किया फ्रेंड यहाँ पे जो भी सब दिख जाएगा। तो डबल एक्सपोजर पे इस बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे तीन ऑप्शन एक आएगा, एक डिलीट का, एक ब्रश का, एक एडजस्टमेंट का। तो हम लोग ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं मिडिल में, और उसके बाद हम लोग इस तरह वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा जल्दी पेंट कर लेते हैं बैकग्राउंड को। अब फ्रेंड हम लोग यहाँ से अब राइट क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद टूल्स पे क्लिक करेंगे, और फ्रेंड्स अब हम लोग का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, वीडियो को एंड करते हैं। अब टूल्स पे नहीं क्लिक करेंगे, फोटो को सेव कर लेते। फ्रेंड्स अगर आप लोग को इसके आगे का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो इसलिए मेरा अभी मन नहीं कर रहा है। तो आप लोग वीडियो को अगर फुल वॉच करते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा।